नीम करोली बाबा के जीवन की तीन चमत्कारी घटनाएं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, मैं हूं गौरी। एक बार तो उनके बिना ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ी। ऐसे हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और सिद्धांत नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों की सच्ची कहानी सुनने मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही चौंकाने वाले के चमत्कार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला चमत्कार। एक बार नीम करोली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया। बाबा जी ने उससे आश्रम में लगने वाली ईंटों के लिए दान मांगा, लेकिन वह आदमी बड़ा ही कंजूस था और उसने महाराज जी को यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर जब वह अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान भयंकर जल रही है। वह तुरंत महाराज जी के पास गया और बोले कि मेरी दुकान में आग लग गई है, मुझे बताइए। तब बाबा जी ने कहा, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है। व्यापारी बोला, बाबा जी मैं झूठ बोल रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान नहीं जल रही है। और वह जब वापस अपनी दुकान में गया तो सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में ही आग लगी थी। दूसरा चमत्कार। एक बार एक आदमी नीम करोली बाबा के लिए संतरे लेकर आया और महाराज जी के बाजू में रखे टोकरी में डाल दिए। महाराज जी ने उन संतरों को वहाँ बैठे सभी भक्तों में बांट डाले। बांटते बांटते नीम करोली बाबा जी ने 48 संतरे डाले। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह आदमी सिर्फ 8 संतरे लेकर आया था, लेकिन महाराज जी ने वहाँ मौजूद सभी 48 लोगों को 48 संतरे बांट डाले। है ना ये अद्भुत चमत्कार। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा चमत्कार। एक बार महाराज जी का एक भक्त आगरा से कैची धाम आया और वहाँ से ट्रेन से कोलकाता जाने वाला था। जब वह नीम करोली महाराज जी के पास बैठा और बातचीत कर रहा था, तभी उसने महाराज जी को बताया कि आज रात की ट्रेन से वह कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। तभी नीम करोली बाबा जी ने उसे जाने से रोक दिया। वह बहुत चिंता में पड़ गया, लेकिन बाबा जी की बात मानकर वह ट्रेन से कोलकाता नहीं गया। दूसरे दिन अखबार में उसने उसी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा तो महाराज जी के चरणों में जा गिरा। तो देखा आपने किस प्रकार नीम करोली महाराज जी ने साक्षात चमत्कार दिखाकर अपने भक्तों को बचा लिया। जय हो नीम करोली बाबा की। चौथा चमत्कार। जब नीम करोली बाबा ने अपने आप को अनंत में विलीन करके अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दाह संस्कार किया गया। तब महाराज जी का एक अनन्य भक्त उनकी चिता के बाजू में बैठकर जय श्री राम जय राम का भजन रात भर करता रहा। सुबह उसने सभी को बताया कि उसे आग के ऊपर नीम करोली बाबा बैठे हुए दिख रहे थे और उनके ऊपर एक तरफ विष्णु जी और दूसरी तरफ महादेव थे। वह दोनों महाराज जी के ऊपर फूल डाल रहे थे और उनके ऊपर सभी देवी देवता फूलों की बारिश कर रहे थे और वह सभी बहुत खुश थे। पांचवा चमत्कार। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। वह नीम करोली नाम के एक गांव में एक गुफा में तप किया करते थे। एक दिन वह गंगा स्नान करने जाने के लिए गुफा से बाहर निकले कि उन्हें एक ट्रेन दिखाई दी। महाराज जी का मन उसमें जाने का हुआ। फिर क्या था, महाराज जी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन टिकट न होने के कारण टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया।
महाराज जी रेल की पटरी के बाजू में एक सीट में जाकर बैठ गए। टीटी ने सिग्नल देते हुए ड्राइवर को ट्रेन चलाने को कहा, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। यह एक अचंभित कर देने वाली बात हुई कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही। ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों ने ट्रेन को पूरी तरह से चेक किया, लेकिन किसी को भी ट्रेन ना चलने का कारण समझ में नहीं आया। तभी एक आदमी ने ड्राइवर से कहा, आपके टीटी ने बाबा जी को नीचे उतार दिया है, इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तब ट्रेन ड्राइवर और अधिकारियों ने महाराज जी से माफ़ी मांगी और आदरपूर्वक उन्हें ट्रेन में बैठने को कहा। फिर क्या था, महाराज जी ट्रेन में जैसे ही बैठे वह ट्रेन चलने लग गई। बोलो जय नीम करौली बाबा की। जिस गांव में ये सच्ची घटना घटी उस गांव का नाम ही नीम करौली है। इसी तरह बाबा जी नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो नीम करौली बाबा की जय। अगर आप इसी तरह के सिद्ध संतों के चमत्कारों की सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे धार्मिक कंटेंट से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड।